नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत, कहा सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन से बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत और अमरीका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, तीसरी भारत अमरीका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध, 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान कल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू, कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.62% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से अपील की कि त्योहार मनाते समय कोरोना संबंधी सतर्कता में कोई ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करने से इस जानलेवा वायरस को हराया जा सकेगा। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से बातचीत के दौरान आज ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि जनधन, आयुष्मान, उज्ज्वला और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी योजनाओं से लोगों को बेहतर ढंग से कोविड महामारी से लड़ने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने दुनिया को ये दिखा दिया कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और स्थिति को बदल सकते हैं। आज का ये दिन आत्मनिर्भर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। कठिन से कठिन परिस्थिति का भी मुकाबला ये देश कैसे करता है, यूपी के लोग कैसे संकट से लड़ने की ताकत रखते हैं, ये दिन इसका साक्षी है। कोरोना ने जब दुनिया पर हमला किया तब भारत के गरीब को लेकर तमाम आशंका व्यक्त करते थे, मेरे गरीब भाई बहनों को कैसे कम से कम तकलीफ उठानी पड़ेगी, इसी सोच के साथ देश ने 1,70,000 करोड़ रुपयों की गरीब कल्याण योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैंक अब गरीबों तक पहुंच रहे हैं और ये सरकार के निरंतर प्रयास का ही परिणाम है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ऐसी योजना स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार शुरू की गई। देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। आज देश सामाजिक ताने बाने में, आत्मनिर्भर भारत में, उस अभियान में आपके योगदान को भी पहचान रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना को तेजी से लागू किया जाना महत्वपूर्ण है। इसके तहत न सिर्फ तेजी से और डिजिटल माध्यम से काम होता है बल्कि योजना का लाभ लेने के लिए बिचौलियों की भी जरूरत नहीं होती। कई लोग इसलिए परेशान थे कि उन्होंने लोन लेने के लिए कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे, क्या गारंटी देनी होगी। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए बनी अन्य योजनाओं की तरह ही इस योजना में भी टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। कोई कागज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कोई दलाल भी नहीं और किसी सरकारी दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं। एप्लीकेशन
आप खुद भी ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और किसी कॉमन सर्विस सेंटर, नगरपालिका कार्यालय या बैंक ब्रांच में जाकर भी आवेदन अपलोड करा सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। बेरोजगारी के कारण पलायन की दर को कम करने में भी ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार ने पहली जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। कोविड 19 महामारी से प्रभावित आजीविका गतिविधियों को फिर शुरू करने में स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर 10,000 रूपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख लाभार्थियों को योजना के तहत ऋण अंतरित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत की। आगरा की प्रीति ने प्रधानमंत्री को बताया कि स्वनिधि योजना के तहत मिले 10,000 रूपयों से उन्हें फल और सब्जियों का कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिली है। प्रीति ने कहा कि बैंक खाते में पैसा पहुंचने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अनाज प्राप्त करने जैसी योजनाओं से लॉकडाउन के दौरान बहुत मदद मिली। प्रधानमंत्री ने प्रीति को डिजिटल भुगतान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि उन्हें और अधिक लाभ हो सके। जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ। तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए, हाँ। तो हमने बोला रुक जा अभी देखते हैं, तो अपने से बटन को दबा के देखते हैं, हाँ। रुपए प्राप्त हुए, हाँ। आपने सुना? हाँ सुना। हाँ तो अच्छा है ना, पैसे जमा हो जाते हैं उसमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ। सामने वाला पागल नहीं बना सकता हमें। अच्छा, तो इतनी जल्दी लोन मिल जाने से आपको और भी फायदा होगा। ये बताइए कि आपके परिवार में और कितने लोग हैं? सर मैं हूँ, मेरे पति हैं, 3 बेटियां हैं मेरे पे और एक छोटा वाला लाला है, 3 साल का है जो। बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। एक अन्य लाभार्थी वाराणसी के अरविंद ने श्री मोदी को बताया कि वो दुर्गा कुंड में मोमोज और कॉफी बेचते हैं। अरविंद ने कहा कि स्वनिधि योजना के तहत मिली राशि से उन्हें काफी मदद मिली है और इसकी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अधिकारियों के पास भी नहीं जाना पड़ा। मुझे ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, सभी लोगों को फार्म भरवाए नगर निगम। एक हफ्ते के बाद बैंक में बुलाया गया, मेरा खाता यूनियन बैंक सोनापुरा शाखा में है। उन्हें बोला गया सर आपका लोन आया हुआ है 10,000 रुपए का, आप एक आधार कार्ड और जो नगर निगम का आपका सर्टिफिकेट है और बैंक का पासबुक दे दीजिए, मैं आपका 15 मिनट में लोन सेशन कर दूंगा। तो मैं भाग के घर गया और लेकर के आया, उन्होंने तुरंत अपना भर दिया और दूसरे दिन मेरे खाते में 10,000 रुपए आ गए। एक और लाभार्थी लखनऊ के विजय बहादुर ने बताया कि इस योजना से मिले पैसे से उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के कई मंत्री भी मौजूद थे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम को राज्य के सभी जिलों में प्रसारित किया गया। राज्य के सभी 651 स्थानीय निकायों में भी इसके प्रसारण की व्यवस्था की गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े करीब 7 लाख लोगों की पहचान की गई है। इस योजना के तहत ऋण के लिए 6,40,000 से अधिक आवेदन मिले। राज्य सरकार ने करीब 3,62,000 स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण मंजूर किए, जिनमें से करीब 3 लाख लोगों को आज ऋण वितरित किया गया। भारत और अमरीका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में संपन्न हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। अमरीकी शिष्टमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने किया। भारत और अमरीका ने आज 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीसरी 2+2 वार्ता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि रक्षा उद्योग क्षेत्र में सार्थक और उपयोगी विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेना के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वार्ता के दौरान भारतीय रक्षा उद्योगों की क्षमताओं की जानकारी दी गई। I highlighted the capabilities of Indian defense industry and their usefulness in the supply chain of major US platforms and systems. We have identified priority near-term projects for joint development between respective agencies which need to be fast-tracked under the Defense Trade and Technology Initiative and resolved to work together in defense research and development more efficiently. रक्षा मंत्री ने कहा कि बुनियादी आदान प्रदान और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का आकलन किया गया।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तथा सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। वी हैव हैड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन की एस्पेक्ट्स ऑफ अवर बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। वी कंसीडर द मेजर चैलेंजेस वी फेस, द नीड फॉर क्विक इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ, प्रिवेंशन ऑफ द पैंडेमिक रीबिल्ड। वार्ता के शुरू में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि मौजूदा दौर में नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में रक्षा और विदेश नीति के क्षेत्र में मिलकर काम करने की भारत और अमरीका की क्षमता व्यापक हित में होगी। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हो या समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना, आतंकवाद से निपटना हो या समृद्धि सुनिश्चित करना, दोनों देश बड़ा योगदान कर सकते हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले दो दशक में भारत अमरीका द्विपक्षीय संबंध हर स्थिति पर प्रगाढ़ हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ज्यादा गंभीरता से सहयोग कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। इससे पहले विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। 2+2 की पहली वार्ता सितंबर 2018 में नई दिल्ली में और दूसरी वार्ता 2019 में वाशिंगटन में हुई थी। आज आपसी हित के सभी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोगों को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान करने के लिए पिछले साल अगस्त में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में संशोधन किया गया था। इस संशोधन से पहले केवल संगठनों को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की नीति के तहत केंद्र सरकार ने 18 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत, कहा सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन से बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत और अमेरिका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, तीसरी भारत अमरीका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में सम्पन्न। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध, 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान कल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.62% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। देश में कोविड महामारी के बीच ये पहला चुनाव हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए कोविड संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की जगह अब केवल 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। सभी केंद्रों पर मतदाता कर्मियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भेज दी गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।
इस चरण में 1,066 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2,14,00,000 से अधिक मतदाता करेंगे। प्रेम कुमार, जय कुमार सिंह और राम नारायण मंडल सहित राज्य के 8 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। एनडीए में भाजपा 29, जनता दल यूनाइटेड 35 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने 1 प्रत्याशी उतारा है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल 42 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन के एक अन्य घटक दल सीपीआई माले ने 8 प्रत्याशियों को मौका दिया है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 42, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 43 और बहुजन समाज पार्टी ने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि 71 सीटों में से 35 सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इनमें 4 निर्वाचन क्षेत्र चैनपुर, नबीनगर, कुतुम्बा और रफीगंज में 3 बजे तक और 5 क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक और शेष 26 क्षेत्रों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल तैनात किए गए हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। किसी भी अप्रिय घटना की निगरानी के लिए हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया है। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस उपचुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतदान 3 नवंबर को होगा जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य राजनीतिक दलों ने उपचुनाव के लिए अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। दोनों पार्टी के नेता चुनाव सभाएं, छोटी बैठकें और घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया मंच पर भी चुनाव प्रचार में गर्मी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और विधायक दल के नेता परेश धानाणी अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अबड़ासा, मोरबी, धारी, करजण, लिंबड़ी, गढ़ड़ा अनुसूचित जाति और डांग और कपराड़ा अनुसूचित जनजाति सीटों के लिए उपचुनाव होने वाला है। यह सभी 8 सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कर्नाटक में विधान परिषद की 4 सीटों के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोविड संक्रमण की वजह से सभी चुनाव कर्मचारियों को मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर दिया गया। इन 4 मतक्षेत्रों में कुल 2,34,718 मतदाता मतदान के योग्य हैं और इनके लिए 549 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 27 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। कल मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। नवंबर 2 तारीख को मतगणना होगी, जिसके लिए धारवाड़, गुलबर्गा और बेंगलुरु में मतों की गिनती केंद्र खोले गए हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 262 किलोमीटर होगी। इससे बांग्लादेश के लिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, यातायात तेज तथा निर्बाध रूप से शुरू हो जाएगा। श्री गडकरी ने घोषणा की कि अगरतला में 4 लेन के बाईपास सहित 4 और राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 365 किलोमीटर होगी और इन पर 75,30,00,000,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है। खिलौना बैंक विभिन्न स्कूलों के साथ मिलकर उन बच्चों को खिलौने देगा जो बच्चे खिलौने खरीद नहीं सकते। दिल्ली स्थित खिलौना बैंक निजी स्कूलों से इन खिलौनों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें ठीक करता है और उनकी दोबारा पैकिंग करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में बनने वाले पारंपरिक खिलौनों से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल और खिलौने के माध्यम से छोटे बच्चे रंगों और आकृतियों की पहचान करना सीखते हैं। भारत में कपड़े, मिट्टी, कागज और लकड़ी के खिलौने बनाने की परंपरा बहुत पुरानी है। देश में कई प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल, सुंदर और कम लागत वाले हैं। स्वदेशी खिलौना उद्योग लाखों कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है। खिलौना उत्पादन के लिए भारत एक बड़ा केंद्र बन सकता है और अब स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर वोकल होने की जरूरत है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 90.62% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 63,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड से अब तक 72 लाख से अधिक व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। इस समय रोगियों की संख्या कुल संक्रमितों का 7.88% है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 36,469 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में इस समय कोविड के करीब 6,25,000 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिले जुले प्रयासों से मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है, जो इस समय लगभग 1.5% है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 488 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इनमें से 80% मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से थे। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 9,58,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इसे मिलाकर देश में अब तक 10,44,00,000 नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 951 नए कोविड रोगियों के सामने आने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 1,67,000 से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 10 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 2,885 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,181 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,53,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 11,237 सक्रिय मामले हैं। अब तक राज्य में करीब 28,00,000 परीक्षण किए जा चुके हैं। कल भी 31,000 से ज्यादा परीक्षण किए गए थे। अब मध्य प्रदेश में केवल भोपाल और इंदौर दोनों शहर ऐसे हैं जहां 200 से अधिक रोगी प्रतिदिन मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में नए रोगियों की संख्या 100 से भी कम हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य में 711 फीवर क्लिनिक संचालित किए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए घर घर पुस्तकें पहुंचाने की शुरुआत की है। कॉलेज ने कोविड संक्रमण से बचने तथा विद्यार्थियों के घर पर ही रहने को लेकर ये कदम उठाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल ने कॉलेज पुस्तकालय के सहयोग से ये पहल की है। उत्साह के साथ अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए छात्रों की आवश्यकता को समझते हुए पालघर के सोनोपंत दांडेकर कॉलेज ने छात्रों के लिए किताबें देने के लिए आपके दरवाजे पर पुस्तकालय शुरू किया है। कल से शुरू हुई यह पहल शुरू में पालघर के लगभग 7 गांव में रहने वाले कॉलेज के छात्रों और लोगों को पूरा करेगी। बाद में प्रतिक्रिया के आधार पर तालुका के अन्य हिस्सों में पाठकों के लिए उपन्यास और अन्य पठन सामग्री की डोर स्टेप डिलीवरी भी की जाएगी। पुस्तकालय के 5 कर्मचारियों को किताबें वितरित करने का काम सौंपा गया है और वे छात्रों से यात्रा खर्च के लिए ही शुल्क लेंगे। आपके दरवाजे पर पुस्तकालय की यह अनूठी पहल न केवल छात्रों बल्कि अन्य लोगों के बीच अधिक पढ़ने की आदतों को बढ़ाएगी। पालघर से नीतू सौरे के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिकल के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800115767 और 01123314444। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल newsonair official पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप newsonair से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से मनाया जा रहा है। ये 2 नवंबर तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है सतर्क भारत, समृद्ध भारत। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने इस अवसर पर नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय में कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सबको निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए।
ये सप्ताह इसलिए मनाया जा रहा है कि हम लोग सब इंटीग्रिटी से और प्रॉबिटी से काम करें और इसके लिए प्रोत्साहित करें। इस सप्ताह को मनाने का एक और भी ध्येय है कि जो भी चीजें हैं आम आदमियों में सभी स्टेक होल्डर्स को हाईलाइट करें। एक अन्य बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई गलती होती है, इंटीग्रिटी में कोई कमी होती है, तो उसके लिए एक सिस्टमिक चेंज किया जाए, यानी कि ऐसे स्टेप्स लिए जाए जिससे कि ये चेंज दोबारा न हो। प्रत्येक वर्ष सप्ताह भर तक चलने वाला ये आयोजन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भी सतर्कता और भ्रष्टाचार की रोकथाम पर आज से 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में किंग्स इलेवन पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को हाथरस दुष्कर्म मामले की जांच की निगरानी करने का आदेश दिया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका पर न्यायालय ने यह आदेश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय जांच के सभी पहलुओं की भी समीक्षा करेगा। वर्तमान में यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास है, जो जांच से जुड़ी अपनी अद्यतन रिपोर्ट उच्च न्यायालय में पेश कर सकता है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने पीड़िता के अंतिम संस्कार की कार्रवाई पर स्वतः संज्ञान लेने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पहल की सराहना की। गुजराती फिल्म के सुपरस्टार और अभिनेता से नेता बने नरेश कनोडिया का आज सुबह अहमदाबाद में निधन हो गया। 77 वर्षीय कनोडिया अन्य बीमारियों के साथ ही कोरोना से भी संक्रमित थे। उन्होंने 100 से अधिक गुजराती फिल्मों में अभिनय किया। वे 2002 से 2007 तक राज्य के करजन विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनोडिया बंधुओं महेश और नरेश में से नरेश के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि 2 दिनों के अंतराल पर दोनों भाइयों की मौत से उन्हें दुख हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि संस्कृति के क्षेत्र में उन दोनों की योगदान, विशेष रूप से गुजराती गीतों, संगीत और रंगमंच को लोकप्रिय बनाने में उनकी भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इन्फेंट्री दिवस पर सभी स्तर के साहसिक सैनिकों को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्फेंट्री के योगदान पर देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की बहादुरी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अधिकारियों ने भी पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र आज शुरू हुआ। सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित 9 नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र के दौरान राज्य सरकार संसद द्वारा हाल ही में पारित कृषि विधेयकों को नकारते हुए छत्तीसगढ़ कृषि उत्पादन बाजार संशोधन विधेयक 2020 पेश करेगी। आयकर विभाग ने फर्जी बिलों से धन कमाने के षड्यंत्र के संबंध में कल कई जगहों पर छापेमारी की। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 45 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए। इस दौरान पता चला कि फर्जी बिल बनाने वालों, मध्यस्थों, लाभार्थियों और कंपनियों का विशाल नेटवर्क इस षड्यंत्र में शामिल है। छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन के मामले से जुड़े कागजात बरामद किए गए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 26 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। श्रीनगर में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 0 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गिलगत में आसमान साफ रहने और तापमान 3 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से बातचीत। कहा, सरकारी योजनाओं के डिजिटल क्रियान्वयन से
बड़े राज्यों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत और अमरीका के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर, तीसरी भारत अमरीका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए व्यापक प्रबंध, 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदान कल। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 90.62% हुई और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।